अब आपने देख ही लिया होगा कि मैं भी आपकी तरह ही ट्रेडिंग का बिजनेस करती हूँ, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करती हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। खुद के जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करना ये तो एक तपस्या की तरह ही है। मैं तो यही मानती हूँ कि ये एक तपस्या की तरह है। देखो, आप ट्रेडिंग में क्यों आते हो? क्योंकि आप दूसरे ट्रेडर्स के बड़े बड़े प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स देखते हो, उसके वजह से आप भी लालच में पड़ जाते हो और आप भी ये सोचने लगते हो कि मैं भी अगर ये बिज़नेस करूँगा, मैं भी अगर ये काम करूँगा तो मैं भी इतना सारा पैसा कमा सकता हूँ या फिर पैसा बना सकता हूँ। तो ये बहुत गलत बात है। पहले तो आपको अगर सही में ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। हमारा ट्रेडिंग में हम इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक जो इमोशन है वो है लालच। लालच की वजह से हम इसमें बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं इस बिज़नेस में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर सामने वाले ट्रेडर का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो उसने बड़ा अमाउंट लगाया होगा, तो बड़ा अमाउंट लगाने की हम भी कोशिश करते हैं और हमारी कैपेसिटी नहीं होती, इतना हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता, फिर भी हम ज़्यादा लॉट साइज के साथ काम करते हैं और इस वजह से हमारे जो लॉस है वो बहुत बड़े होते हैं और बड़ा लॉस देखने के बाद हम फिर से मार्केट में ट्रेड लेने की हिम्मत हमारी नहीं रहती। ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम हमारे लालच पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इस वजह से हमें जब भी ट्रेड करने का मौका मिलता है, हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार हो चाहे आप किसी और के द्वारा कॉल को ले रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आप बहुत बड़ी लॉट साइज़ के साथ काम करना चाहते हो, आपको एक ही दिन में बहुत सारा पैसा बनाना है, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% ही होती है, चाहे आप वो कितनी भी एक्यूरेसी के साथ क्यों ना लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है। एक तो आपको लॉस होगा या फिर एक तो आपको प्रॉफिट होगा, ये दोनों में से तीसरा और कुछ होने वाला नहीं है। और जब आपको लॉस होगा तो वो लॉस बहुत बड़ा होता है, आपको आपकी कैपेसिटी के बाहर का होता है। इस वजह से आप हर एक ट्रेड में रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करना है आपको, और अगर आप एक दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से, आपका जब वहाँ पर लॉस बड़ा बन रहा है, बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड ही नहीं करना है। अगर आपके कैपेसिटी के अंदर वहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप वो ट्रेड ले लो। ऐसे करते करते आप जब खुद के इमोशन पर काबू करना सीख लोगे, खुद को आप इस लालच से बाहर लाओगे, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे।